हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिएगा कि ब्रंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक नाम, सूत्र एवं उपयोगी है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी तरह से आप लोग इसका नोट्स बनाते चलना है और इसका जो बेसिक जो चीज़ है वो हम आपको लाइव सेशन में आपको समझाते चलेंगे और आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखकर याद करते चलेंगे। ठीक है, तो क्या चीज है इसमें, देखिए कि व्यंजक चूर्ण क्या है। तो देखिए व्यंजक चूर्ण जो है एक रासायनिक यौगिक है। ठीक है, तो व्यंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध बाहर निकलती है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम जो है वह कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है तथा इसका सूत्र जो होता है COCl, ठीक है, इंटू Cl, या तो इसको बोल सकते हो CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन के दो बॉन्ड हो जो यहाँ पर परमाणु लगते हैं। ठीक है, आप फिर से देखिए, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन। बताया है आपको कि ब्रंजक चूर्ण में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, तब याद रखना होगा कि इसमें आपको आपको कैल्शियम भी होना है यहाँ पर, फिर उसके बाद ऑक्सीजन भी है, उसके बाद क्या है, क्लोरीन भी है। तीन इसमें से क्या होते हैं, आपके तत्व होते हैं और इन्हीं तत्वों के मिलने से क्या होता है, इनका निर्माण होता है। ठीक, तो आपसे पूछा कि भाई ब्रंजक चूर्ण क्या है, तो ब्रंजक चूर्ण एक श्वेत चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध बाहर निकलती है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है तथा इसका सूत्र जो होता है वो CaOCl × Cl या CaOCl2 होता है। और एक बनाने की विधि, इसको प्रयोगशाला बनाया कैसे जाता है, तो जब शुष्क बुझे हुए चूना, जब शुष्क बुझे हुए चूना अर्थात CaOH का होल ट्वाइस, इसकी क्या करेंगे, हम इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर गर्म कर इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित कराएंगे। क्या कराएंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित कराते हैं तो हमें ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, या इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। ठीक, तो याद रखना होगा बनाने की विधि, एकदम मेन आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि बनाने के लिए इसको बनाया कैसे जाता है। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म कराया जाता है और इससे क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है तो हमें ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में Cl2 रिएक्शन कराया, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस पे मेरे भाई, तो 40 डिग्री सेल्सियस पे, और इस पे क्या प्रवाहित कराया मैंने, क्लोरीन गैस प्रवाहित करा दी है। जब भी इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें ब्रंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा, यही आपका यौगिक है ब्रंजक चूर्ण, और साथ में क्या है, कुछ जल की मात्रा भी निकलती है और इस प्रकार की आपका क्वेश्चन। ठीक, तो इसके बाद इसमें क्या है, अगर हम लोग जाने इसका कि उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके उपयोग देखिए कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, अगर हम नोट करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, इतना पहले सबसे पहले आप नोट डाउन कर दीजिए, इसके बाद हम इसका उपयोग बताते हैं। इसके बाद क्या है, ब्रंजक चूर्ण का उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग देखिए कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, आता है एग्जाम में कि ब्रंजक चूर्ण क्या है, इसके रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम, इसका उपयोग और इसके गुणों की चर्चा करें। तो हम इसको साथ में साथ में आपको उपयोग और गुण भी बताते चलते हैं। तो इसमें उपयोग जो है, पहला नंबर देखिए कि कीटाणुनाशक के रूप में, जल में कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कागज एवं कपड़ों को ब्रंजित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे क्लोरीन बनाने में, क्लोरीन याद रखिएगा, ब्रंजक चूर्ण से क्लोरीन भी बनाया जाता है, क्लोरीन भी प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोगशाला में अतिक्रमक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग किया जाता है ब्रंजक चूर्ण का। फिर बिना सिकुड़ने वाली दूध बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ब्रंजक चूर्ण का उपयोग जो है, अर्थात ब्रंजक चूर्ण CaOCl2, दिमाग में रखिएगा यह है आपका ब्रंजक चूर्ण। इसका उपयोग मैंने आपको बताया दिया कि कीटाणुनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ों के ब्रंजक में, क्लोरीन के बनाने में, प्रयोगशाला में और बिना सिकुड़ने वाली ऊन के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करें इसकी गुण की, तो गुण क्या है, तो ब्रंजक चूर्ण सफेद चूर्ण होता है और इसमें से क्लोरीन गैस, क्लोरीन की गंध निकलती है, क्योंकि इसमें क्लोरीन मौजूद होता है इसलिए क्लोरीन की गंध भी निकलती है। फिर इसके बाद ये जल में घुलनशील घुलनशील है लेकिन पूरी तरह विलय नहीं, पूरी तरह विलय नहीं, अर्थात ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है लेकिन पूरी तरह से इसमें से इसमें घुलता नहीं। यह वायु की CO2 के साथ क्रिया करके क्लोरीन क्या कर देता है, ये खो देता है, क्लोरीन को निकाल देता है, क्लोरीन इसमें समाप्त हो जाता है। ठीक है,
और इसके बाद फिर लास्ट आपका चौथा है कि यह अम्लों से क्रिया करता है, यह अम्लों से क्या करेगा, अभिक्रिया करता है, अम्लों से रासायनिक अभिक्रिया करता है, और ये इस प्रकार आपके क्या थे, गुण थे। अब याद रखिएगा कि व्यंजक चूर्ण क्या है, इसका सूत्र याद रखना है, इसका रासायनिक नाम याद रखना है, इसका उपयोग आपको नोट करना है, उसके बाद गुण पूरा का पूरा आपको व्यंजक चूर्ण से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम में लिख कर आ सकते हैं। ठीक, यदि आपके इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स पर या हमारे मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसको हम आपको वीडियो प्रोवाइड करके आपका सोल्यूशन दे देंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका रासायनिक नाम सूत्र एवं उपयोग लिखना है। इसका देखिए आंसर कैसे लिखेंगे, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है, तथा इसका अणु सूत्र जो होता है वो CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक, और इसको बनाया कैसे जाता है लेबोरेटरी में, लेबोरेटरी बनाने की विधि क्या है भाई, कि जब जिप्सम को, देखिए जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 ठीक फिर 2H2O, अर्थात इसमें जल के क्रिस्टल जो होते हैं वो जिप्सम से, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो जब हम जिप्सम को क्या करेंगे, 273 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, अर्थात POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाता है। इसका रिएक्शन देखिए CaSO4 2H2O, और 273 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे तो POP अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और उसमें देखिए आपको डेढ़ जो आपको क्रिस्टल है जल के वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, आपने देखा होगा कि जब क्या है, हम लोग प्लास्टर, जब हड्डी टूट जाती है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग प्लास्टर करता है तो उजले कलर का जो पाउडर होता है वही पाउडर जो है वो आपका जिप्सम होता है। और जिप्सम को जब हम लोग क्या करते हैं कि जल में डालते हैं तो वो खोल कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, और उसी का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, प्लास्टर करने में करते हैं। तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, खिलौने बनाने में, ठीक सतह को चिकना करने में, दीवारों को चिकना करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, और सजावटी सामान बनाने में भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो कहाँ, तो हड्डियों को जोड़ने में, सजावटी सामान बनाने में, ठीक उसके बाद फिर खिलौने को बनाने में, सतह को चिकना करने में, और आपने देखा होगा कि खिड़कियों और मूर्ति जो होता है दशहरे में देखा, वो मूर्ति जो होती है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, मूर्तियों के निर्माण के समय भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ।